अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्वीट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे स्वीट, डेजर्ट, पुडिंग कुछ भी कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ दो चीज़ों से बनेगी और इतनी इजी है कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। और इतनी डिलीशियस और सॉफ्ट है कि मुँह में जाते ही घुल जाएगी ये, और इसका टेस्ट आप भूल ना पाओगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक कप दही ले लिया है एक बॉल में, और इसे हम इस तरह से बीटर की मदद से अच्छे से फेंटेंगे। ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने तक हम इसे फेंटेंगे। और ये एक केन मैंने इसमें, छोटा वाला जो केन आता है कंडेंस मिल्क का, वो मैंने इसमें डाल दिया है मिठाई मिट का। तो एक कप दही के लिए ये इनफ है, और ये बहुत ही सही इसकी मिठास थी। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे ये पिंक कलर में चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें दो तीन ड्रॉप पिंक कलर के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या अपनी पसंद का कोई और कलर डाल सकते हैं। तो इसका कलर बहुत कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें दो तीन ड्रॉप और डाल दिए हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर है। अब मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करूंगी जिसकी वजह से आपकी स्वीट बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। तो मैंने इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। आप चाहे तो एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। आप इसे स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इससे ये स्वीट बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। अब मैं ये स्वीट एक केक टिन में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसमें अच्छे से ऑयल डालकर इसे ब्रश की मदद से इसे ग्रीस कर लूँगी। आप फ्रेंड्स, इसके बॉटम में आप एक राउंड शेप में बटर पेपर काट कर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से बाहर आया था। अगर आप इसमें बटर पेपर लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से बाहर आ जाएगा ये, तो आप ज़रूर लगा दीजिएगा। और मैं इसे ऊपर से इस तरह से फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी, क्योंकि हम इसे स्टीम करने वाले हैं, तो इसमें कोई पानी वगैरह ना चला जाए, इसके लिए मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो इस पर ढक्कन भी ढक सकते हैं। तो ये मैंने एक पतीले में 3 से 4 गिलास पानी मैंने इसमें गरम कर लिया था, और उस पर मैं ये अपना टिन रख दूँगी जिसमें मैं ये स्वीट बना रही हूँ, और इसे मैं ढक दूँगी। इसे हमें 30 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर। 30 मिनट में ये अच्छे से कुक हो गई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 30 मिनट हो गए हैं, और मैं इसे नाइफ़ की मदद से मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए नाइफ़ एकदम साफ आ रहा है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लूँगी। इसको मैं ओपन कर रही हूँ, देखिए इसका ये मैं निकाल दूँगी फॉइल पेपर। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। फॉइल पेपर मैंने लगा दिया था, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आया, एकदम सूखी सी है ये। अब हम इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे अच्छी तरह से ठंडा होना ज़रूरी है, वरना ये टूट सकती है निकालते टाइम। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे निकालते वक्त इसमें थोड़ी मुश्किल आई थी, और ये जल्दी नहीं निकल रहा था, और थोड़ा सा इसमें क्रैक भी आ गया था। तो आप इसमें नीचे बटर पेपर ज़रूर लगा दीजिएगा। और मैं इसे डेकोरेट करने के लिए ये रोज पेटल्स, ड्राई रोज पेटल्स इस पर डेकोरेट करूँगी। तो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है, और बहुत ही शानदार लग रही है ये मिठाई, देखिए। और थोड़ी सी मैं इस पर पिस्ता की कतरन डाल दूँगी। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से किसी अलग तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं इसे। तो देखिए मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये, तो मैंने इस तरह से किया है। और थोड़े से रोज़ पेटल्स बीच में भी डाल दूँगी। और अब मैं इसे कट कर रही हूँ, देखिए कितनी आसानी से कट हो जाएगा। और सच मानिए बहुत ही डिलीशियस, और बिल्कुल भी इसका पानी नहीं उतरा था, एकदम ड्राई थी ये। तो आप इसमें एक जो मैंने टिप आपको बताई है, वो एक चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लावर का ज़रूर डालें, या फिर एक चम्मच इसमें आप कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। तो इससे आपकी ये स्वीट बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। और देखिए ये कितनी डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये स्वीट तैयार है। तो आपने देख लिया कि इसमें ये कितनी आसानी से सिर्फ दो चीज़ों से बन गई है, और इतनी डिलीशियस और इतनी यम्मी स्वीट्स के आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और जब आप इसे खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा, और इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। मैं इसका एक पीस इसमें निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जमी है, और
बहुत ही यम्मी होती है ये। तो अगर आपके वहाँ कोई गेस्ट भी आने वाले हैं तो आप ये स्वीट्स उन्हें खिलाकर सरप्राइज़ करें, उन्हें बहुत पसंद आएगी और वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।